माय क्यूटीज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल याशिका द हेल्पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आई एम आल्सो डूइंग वेल। टुडे आई एम प्रेजेंटिंग अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो, सो इफ यू लव द वीडियो देन प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड एज वेल एज सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। हेलो गाइज, सो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 टू क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज 3.2 के। सो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है? गिवन 3 इन मैट्रिक्स एक्स वाई जेड डब्ल्यू इज इक्वल्स टू x6 - 1 to w प्लस 4z + w x + y 3। देन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड w, हमें यहाँ पे एक्स वाई जेड की एंड w की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? बाय इक्वलेशन मेथड, जैसे कि मैंने आपको बताया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे इसमें, देख लीजिए, इनकी पहले मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 3 की इससे, ठीक है, पूरे कॉलम से 3x 3y 3z 3w, ठीक है, इक्वल में लिख देंगे, प्लस में ये इक्वल में इन दोनों के प्लस कर देंगे x + 4 - 6 x + y + 6 - 1 z + w - 1 2w + 3। देन इन चारों को एक दूसरे के इक्वल रख देंगे। 3x = x + 4, 3y = x + y + 6, 3w = 2w + 3, 3z = z + w - 1। हम इक्वलेशन मेथड के द्वारा इनको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। इससे हमारी x की वैल्यू 2 आ जाएगी, y की वैल्यू 4 आ जाएगी, w की वैल्यू 3 आ जाएगी, z की वैल्यू 1 आ जाएगी। आई होप इट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इफ फंक्शन x है हमारा cos x - sin x 0, sin x cos x 0, 0 0 1, देन शो करना है हमें fx(fy) = f (x + y), मतलब fx और fy की मल्टीप्लाई इक्वल होनी चाहिए x प्लस वाई की, ठीक है। तो कैसे करेंगे गाइस? यहाँ पे हमें y फंक्शन गिवन नहीं है, तो हम कैसे y फंक्शन को बनाएंगे? फर्स्ट ये देखो, हमारे पास x है, तो cos x sin x वही लिख दिया हमने सेम। देन फंक्शन y हमने कैसे बनाया? हमने फंक्शन y जहाँ पे x था ना, यहाँ पे इसके प्लेस पे हमने y लिख दिया, देन हमारा फंक्शन y बन गया cos y sin y - sin y cos y, 0 0 1, ओके। देन हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आ जाता है इन दोनों को इक्वल, मल्टीप्लाई करने के लिए इन दोनों को लिखेंगे, देन मल्टीप्लाई आ जाएगी हमारी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। एक एक रो तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आता है cos x cos y - sin x sin y + 0 - cos x sin y - sin y cos y 0, sin x cos y + cos x sin y + 0, - sin x sin y + cos x cos y + 0, 0 0 0 1। देन हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे cos xy sin xy, ये फॉर्मूला किसका होता है? cos लिख देंगे एक साथ एंड देन xy x + y, -sin x + y sin x + y, या cos x + y। सेम अब हम यहाँ पे कर देंगे, मैं एक्स प्लस वाई को निकाल देंगे। जब एक्स प्लस वाई को हम एडिशन करेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स एंड फंक्शन ऑफ वाई को एड करेंगे, देन हमारा आएगा cos x + y - sin x + y, 0 0 1, sin x + y cos x + y, 0 0। देन लेफ्ट हैंड साइन और इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। शो दैट दो मैट्रिसेस दे रखे हैं 5 6 - 1 7 2 3 1 4, ≠ 2 3 1 4, 5 6 - 1 7, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और देन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों के मल्टीप्लाई का जो रिजल्ट होगा, अगर इक्वल आया तो ये इक्वल होंगे मैट्रिसेस, पर ये यहाँ पे नॉट इक्वल दिखा रखे हैं, तो इन दोनों का जो रिजल्ट होगा वो इक्वल नहीं आएगा। तो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई चेक करते हैं, देन इन दोनों की मल्टीप्लाई चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग LHS लेंगे, LHS में हमारा क्या होगा, LHS ले लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 7 1 33 34, मल्टीप्लाई करनी है फर्स्ट रो एवरी कॉलम, ठीक है। देन RHS लेंगे हम, दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आंसर आएगा 16 39 5 25, विच इज टोटली डिफरेंट, ठीक है। यहाँ पे 7 33 1 34 आ रहा है, यहाँ 16 39 5 25 आ रहा है, जो कि LHS नॉट इक्वल टू RHS। सेकेंड पार्ट देख लीजिए गाइस, 3x3 की मैट्रिक्स है, वही दोनों दे दिए गए हैं, दो मैट्रिसेस नॉट इक्वल, दो मैट्रिसेस, दोनों के मल्टीप्लाई करनी है, देन इन दोनों के मल्टीप्लाई करनी है। सेम क्वेश्चन ऐसा ही है गाइस, ये आपको खुद करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। सो आइए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। फाइंड a² - 5a + 6i, इट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है हमारे पास? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये वाली होती है। इफ ए, हमें ए गिवन है 2 2 1 0 1 - 1 1 3 0, ठीक है। अब हमें ए स्क्वायर निकालना है,
ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, जब ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे देन ए स्क्वायर आ जाएगा, तो हमने ए वाले डिजिट्स को दोबारा ए से मल्टीप्लाई करा देन हमारा आ गया मल्टीप्लाई करके 590 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 25 माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ 5a चाहिए, हम जब 5 को a से मल्टीप्लाई कर देंगे देन 5a आ जाएगा। 6i चाहिए, 6i कैसे आएगा, i हमारी ये रही, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 1 6 6 1 6 6 1 6, और देन सारे जो स्पेसेस हैं, जो प्लेसेस हमारे, ये सारे जीरो आएंगे आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे यही है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। ए स्क्वायर जो हमने निकाला था, 5 को a से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा a की जो हमारे सारे डिजिट्स इनको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हमारे माइनस है प्लस 5 माइनस 10 प्लस का 6। ठीक है, इन सबको माइनस प्लस करके हमारा आंसर आ जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 1 4 माइनस 3 माइनस 10 प्लस का 4। ठीक है, आप ये कैलकुलेशन खुद करना गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, हमारा ए दे रखा है 102 023 213, ए क्यूब माइनस 6 स्क्वायर प्लस 7 ए प्लस 2 y इज इक्वल टू 0। आप ये क्वेश्चन अगर चाहो तब खुद कर सकते हो, वरना मैंने यहाँ पे सॉल्व करके बताया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमें ए स्क्वायर, हमने जो लास्ट क्वेश्चन करा था उसमें हमें बस ए स्क्वायर दिया था, लेकिन यहाँ पे हमें ए क्यूब है, तो ए क्यूब कैसे निकाल देगा, जैसे बिल्कुल सिंपल है, हमने ए स्क्वायर निकाला ऐसे क्यूब निकालेंगे। ए क्यूब के लिए जहाँ पे हमने ए स्क्वायर के लिए दो बार ए इंटू करी थी, यहाँ पे हम ए क्यूब के लिए एक और बार ए इंटू कर देंगे। ठीक है, देन हमारा आ जाएगा ए क्यूब 3 टाइम मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमारा ए क्यूब आ जाएगा, ए क्यूब में हम क्या करेंगे, तीनों को डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 टाइम लिख देंगे ए को, देन हमारी ए स्क्वायर आ जाएगा ये, और ए ये रहा। ठीक है, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जब इन दोनों के मल्टीप्लाई का रिजल्ट आ जाएगा देन जो रिजल्ट आएगा उसे फिर ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं, जो हमारा ए स्क्वायर आ गया, देख लीजिए, ए स्क्वायर हमारा 5280408513, एंड देन हम ए को मल्टीप्लाई करेंगे इसी इन्हीं से, ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा ए क्यूब आ जाएगा फिर हमारा 21 12 34 08 034 23 55। कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम होगी गाइस, लेकिन जब आप कैलकुलेशन फोकस से करोगे पूरे से देन आपकी कैलकुलेशन इजीली आपसे हो जाएगी। ठीक है, सो ध्यान देना अपनी कैलकुलेशन पे, ए क्यूब माइनस 6 स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i, हमसे यही पूछा गया था इसमें, ए क्यूब माइनस 6 स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i, तो कैसे होगा, ए क्यूब हमने निकाल दिया, ठीक है, ए स्क्वायर हमने ये रहा हमारे पास निकाल दिया। ठीक है, बस ए स्क्वायर को 6 से मल्टीप्लाई कर देना, ए हमारे पास है गया, इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आई हमारे पास हमने आपको बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 100 01 0001। ठीक है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम है, देखो ए क्यूब की वैल्यू निकाल दी, 6 यहाँ पे लिख दिया, ए स्क्वायर की वैल्यू 7, ए की वैल्यू प्लस 2 आई की वैल्यू, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे देन एडिशन सब्ट्रैक्शन करके हमारी वैल्यू आ जाएगी, देख लीजिए, -9 + 9 -0 + 0 -14 + 14 0, देन हमारा आंसर आ जाएगा, सारे डिजिट्स हमारी 0 आ जाएंगे, 0000000, विच इज हमें यही बोला गया था क्वेश्चन में, जो हमारा ये होगा ए क्यूब माइनस 6 स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल्स टू 0, जो ये वाला है हमारा वो RHS के इक्वल होगा, तो हमने LHS लिया देन हमारा RHS के इक्वल आ गया 0 0। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। तो ये क्वेश्चन 17 देखते हैं, हमें ए गिवन है 3 4 -2 -2 एंड आई गिवन है 1 0 0 1 विच इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फाइंड के सो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू के ए माइनस 2i। तो हमें क्या करना है, पहले हमें ए स्क्वायर फाइंड करना है, ए स्क्वायर कैसे करेंगे, दो बार ए से मल्टीप्लाई कर देंगे एक क्रॉस ए। ठीक है, मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा, ए स्क्वायर का रिजल्टेड आ जाएगा हमारा 1 4 -2 -4। अब ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू के ए माइनस 2i, तो ए स्क्वायर हमने फाइंड करा था 1 4 -2 -4। ठीक है, के ए हमारी क्या है, ए हमारे पास है 3 4 -2 -2। ठीक है, -2 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, देन हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे इनकी आइडेंटिटी इनकी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 1 4 -2 -4 इज इक्वल्स टू 3k 4k -2k -2k 2 0 0 2। हमारा आंसर फिर हमारा आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस कर देंगे, 3k -2 -2k 4k
माइनस टू के माइनस टू और ये हमारे इक्वल में है। अब इक्वल में आते हैं और हमें वैल्यू फाइंड करने रहते हैं तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं गाइस, बाय इक्वलेशन मेथड। इक्वलेशन से हम इन दोनों की वैल्यूज रख देंगे, थ्री के माइनस टू इज इक्वल्स टू वन, थ्री के इज इक्वल्स टू वन माइनस का यहाँ पे आएगा प्लस टू, थ्री के इज इक्वल्स टू थ्री, के इज इक्वल टू वन। इसी टाइप से हमारा आ जाएगा माइनस टू के माइनस टू इज इक्वल्स टू माइनस फोर, के की वैल्यू आ जाएगी हमारी वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 इज कम्प्लीटेड। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अ ट्रस्ट फाउंड हैज 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू इफ टाइप ऑफ बॉन्ड्स दैट फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर एनम एंड द सेकेंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर एनम यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिविडेंड रूपीज 30,000 अमंग द टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इफ ट्रस्ट फंड मस्ट अपटेन एन अमाउंट टोटल इंटरेस्ट ऑफ रूपीज। फर्स्ट का रूपीज हमारे पास 1800, सेकेंड का है 2000। सो हमारे पास दो पार्ट है सॉल्व करने के लिए, एक में हमारे पास रूपीज दे देंगे 1800 एंड सेकेंड में हमें दे देंगे 2000। तो हम अमाउंट को हम लेट करेंगे, लेट द अमाउंट इंटरेस्ट इन बॉन्ड टाइप फर्स्ट, फर्स्ट टाइप का बॉन्ड जो इंटरेस्ट बॉन्ड होगा उसमें हम कितना मानेंगे एक्स रूपीज, लेट द अमाउंट इंटरेस्ट इन बॉन्ड टाइप सेकेंड वाई रूपीज। तो हमारे पास मैट्रिक्स को इस टाइप के हम बना लेंगे, एक्स वाई मान लेंगे हम अपने अमाउंट को और हमारी जो परसेंटेज होगी जिनपे हमें इंटरेस्ट पे हो रहा है 7% एंड 5%। ठीक है, हमारा ए बी आ जाएगा 1800, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 7x 5y अपॉन में परसेंटेज का 100 जाएगा इज इक्वल्स टू 1800। 700 7 अपॉन 100 एक्स प्लस 5 अपॉन 100 वाई, वाई को हम कैसे माप लेंगे, अब 30,000 में से जब एक्स की वैल्यू निकल जाएगी देन हमारे पास वाई की वैल्यू तो बचेगी। ठीक है, तो इसलिए हमने 30,000 में से एक्स को माइनस कर दिया देन वाई की वैल्यू आ जाएगी 1800। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाएगा 7/100 एक्स प्लस, अब जो हमारा 100 है वो इसके साथ भी है और एक्स के साथ भी। सो गाइज देखो, जैसे 5/100 इंटू 30,000 एक्स अपॉन 100। ठीक है, तो इसके साथ ऐसे कट जाएगा 5 3 15 1500 माइनस 5x/100 जो 100 है ये x के साथ गया है। ठीक है, इज इक्वल्स टू 18, देन हमारा माइनस करके आ जाएगा 7 - 5x 2/100x एंड इज इक्वल्स टू 300 एंड देन आंसर हमारा आ जाएगा 15,000। ठीक है, कैलकुलेशन आप खुद करके देख लेना। सो गाइस सेकंड पार्ट देख लीजिए, ये बिल्कुल सेम यही है, इसमें हमारे मैट्रिक्स एक्स वाई 7% 5% इज इक्वल्स टू में हमें सेकंड पार्ट में 2000 दे दी गई थी रूपीज 2000, 7/100 परसेंटेज का 100 आ जाएगा 7/100 एक्स प्लस 5/100 वाई की वैल्यू हमने सेम उसी वे से निकाली है, 30,000 में से एक्स को माइनस कर देंगे देन हमारी वाई की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल्स टू 200। देन अब हम इसे क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व आगे, 7/100 एक्स प्लस 1500 कर देंगे कैलकुलेशन के थ्रू। ठीक है, माइनस 5/100 एक्स इज इक्वल्स टू 200, देन हमारा आंसर आ जाएगा एक्स की वैल्यू आ जाएगी 25,000। फर्स्ट वाले की आई थी 15,000, ठीक है, एंड सेकेंड वाले की आई है 25,000। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। इस क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं, द बुकशॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूलर हैज 10 dozen केमिस्ट्री बुक्स, 8 dozen फिजिक्स बुक्स, 10 dozen इकोनॉमिक बुक्स, दियर सेलिंग प्राइजेस आर रूपीज 80, 60, 40 ईच रिस्पेक्टिवली। इट मीन्स 80 हमारे हो जाएंगे केमिस्ट्री के, 60 हो जाएंगे हमारे फिजिक्स के, 40 हो जाएंगे हमारे इकोनॉमिक्स के। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बुक्स, तो टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे, ए हमारा देख लो 10 dozen है। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट है 10 dozen केमिस्ट्री बुक्स का है, उसके अमाउंट कितना है हमारा एक का 80, तो 1 dozen में कितने होते हैं हमारे 12। ठीक है, तो हमने ए कैसे निकाल दिया, 12 × 10 = 120, 8 × 12 = 96, 10 × 12 = 120। ठीक है, हमारे कॉस्ट बुक हमारे हो जाएंगे 80, 60, 40 जो कि हमारे कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, बुक्स के प्राइसेस 80, 60, 40। तो हमारे पास दोनों मैट्रिक्स आ गई, एक हमारी ये आ गई, एक हमारी ये आ गई। ठीक है, तो टोटल अमाउंट टोटल सेल बी हमारी मैट्रिक्स बन जाएगी 120, 96, 120 एंड देन यहाँ पे हमारा आ जाएगा बुक्स कितनी है और यहाँ पे बुक्स का अमाउंट आ जाएगा। देन हमारी कैलकुलेशन करेंगे 120 × 80 + 96 × 60 + 120 × 40, देन टोटल अमाउंट हमारा आ जाएगा 2160 रूपीज। सो गाइस 3.2 इज कम्प्लीटेड। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम 3.3 करेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस वीडियो देन
कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइए एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे सेफ स्टे होम।